नहीं बताएंगे हम कुछ भी। वो हो गया क्या क्या झूठ क्या बताना डिस्टर्ब करने आ गया झूठी तो पूछने आई है क्या बताया तूने मैं तो बहुत ही वैसा हो गया मैं सोचते हुए झूठ बोले फफला गए ऐसे फफला गया था मैं झूठ बोलने यार सब डाल दे रिकॉर्ड हो रहा है यार तुम लोग को ढोकला खाना है तो सबसे पहले मेरे दोनों बच्चों में से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मेरे प्यारे वाले से मेरे प्यारे वाले छोटे से बेटे के साथ और इनका नाम है अगम दीक्षित। तो अगम का ये फर्स्ट शो है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हम सबके साथ? मेरा एक्सपीरियंस एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह है। मैं फर्स्ट डे बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना नर्वस था। टेलिंग यू कि मैं इतना नर्वस था। एक तो पता रहता ना कि आपके अराउंड सारे सीनियर एक्टर्स हैं। मुझे पता था कि ईवा दीदी ने बहुत सारे ऐसे पहले काम कर चुकी हैं, ईशा दीदी ने बहुत सारा ऐसे पहले कर चुकी, तो मैं वैसे ही मेरे पसीने छूट गए थे। फिर धीरे धीरे जेन्युइनली इन दोनों ने ही मेरे को ऐसे कंफर्टेबल किया ऑन सेट, डांस करके मस्ती करके, तो आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हो। तो सच क्रेडिट गोज़ टू हर। और उसका इनिशिएटिव भी इन्होंने ही लिया। मुझे नहीं लगता कि अगर ये सेट पे नहीं होती Actually, तो मेरा प्लान था कि पहले मैं थोड़ी रैगिंग करूंगी, तो मैं थोड़ा परेशान करूंगी, थोड़ा ऐसे डराऊंगी, लेकिन पर मैं थोड़ा स्वीट वालों में से हूं। शक्ल इतनी प्यारी है, उसको कैसे कोई डर। और मैं और छोटा आया था, और छोटा, एक साल ही छोटे थे अभी से। नहीं, और छोटा है जैसे बोले बॉडी स्ट्रक्चर वाइज, मतलब अभी तो थोड़ा वर्कआउट कर रहा है, मसल्स हो गए बच्चे के, वाह एकदम हीरो मटेरियल है। तो मुझे भी, मैं हमेशा नए शो में पहले सोचती हूँ कि बच्चे कैसे होंगे। अच्छा, तो मुझे वो फिक्र होती है क्योंकि बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग पर्सनल भी बनती है ना, वो सीन्स में निखर के आती है। पहले शो में आते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी एंड आई एम वेरी हैप्पी। और बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही इनोसेंट और छल कपट कुछ भी नहीं है। छल कपट बहुत भारी वर्ड्स हो गया यार, छल कपट एकदम माय थॉट वाले वर्ड्स हो गए। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं बड़ी हूं ना, मैं बड़े वर्ड्स यूज करूंगी। इतनी ब्यूटीफुल है ना, भले ही काट दे बाद में, इसको मत काटना। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और किसी किसी को क्या होता है ना, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बोलते हैं, जिसे जो सुनना होता है वो सामने से बोलता है कि अरे तुमने वेट लॉस कर लिया, अरे तुमने वेट गेन कर लिया। तो मैं उस कॉम्प्लीमेंट को देने में ऐसा लगता है यार झूठ ना, तो मैंने रोज बोलता कि अरे बहुत सुंदर हो, बहुत अरे पॉइंट ऐसे ही गेन करने थे मतलब। ये हमारे बेटे थे और आपको इनसे मिलके खुशी हुई होगी। प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा अगम जी से मिलके। थैंक यू। तो फाइनली ये है हमारी बेटी ईशा सिंह एंड फाइनली आई गॉट टाइम टुडे कि शी गॉट द टाइम टुडे कि वो थोड़ा सा बाइट दे दे आपके लिए। सो ईशा लिसन, मैं ये बहुत टाइम से करना चाह रही थी एंड ऑफ कोर्स टाइम थोड़ा मैच नहीं हो पा रहा था, बट आई वाज रियली एक्साइटेड। एंड इनफैक्ट जब ईशान का किया, मतलब अगम का किया था, मतलब इसका क्यों किया, पहले मेरा क्यों नहीं किया, मैं बड़ी बेटी हूँ। राइट, तो अभी बताओ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डूइंग सिर्फ तुम विद योर लवली मदर। I want to recall that first moment, हमने जो first scene किया था, उससे पहले हम कभी reading पे मिले नहीं थे। I didn't know who's playing my mother, मैं नाम भी नहीं पूछा था, मुझे कुछ idea नहीं था honestly। मैं first day आई set पे and first scene था, अगर आप लोग ने देखा हो first episode, कि हम sofa पे dance कर रहे हैं। And कुछ connections ना इतने real होते हैं, this is not because I'm talking here या फिर मैं ये बता रही हूँ, ये बात कर रही हूँ, कुछ connections इतने real होते हैं कि आप ऐसे match कर जाते हो। एंड वो हमेशा चलते रहते हैं आगे तक, तो कुछ बॉन्ड्स ना बहुत ही प्योर होती है एंड इट इज लाइक दैट विथ यू। यस, एंड ऑल्सो यू नो जब सुहानी का विदाई का सीन था और हम लोग वो माही वे पे जब डांस कर रहे थे, Oh my God, I had started crying. She was crying अपने बैक पे, इनके फेस पे, एंड शी वॉज रियली क्राइंग हर आईज आउट।
And I hugged her and she was just crying. In fact, Vidai Gala scene also, nobody was crying, they were all taking glycerin, but Ibu was crying. Her eyes were swollen and she was crying. So I think there is some past life ka kuch to connection hum dono ka. And oh, I was so happy ki meri ye beti hai and she's so down to earth and so sweet. Aur hum log to jab pehle Isha ki mummy aati thi, kehti hai jaise cut hota tum dono ki baatein hi khatam nahi hoti. And first day, yeah, first day ye sab ho raha hai. तो पहले लगा था कि क्या होगा कैसे होगा बट आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट वी गॉट टच टच इन फैक्ट हम नहीं भी शूट कर रहे होते हैं तो मैं इवू कई बार मैसेज करती हूँ शी कॉल्स मी और जेन्युइन हैप्पीनेस आती है पता है चेहरे पे इट्स नॉट लाइक वी आर फेकिंग इट और वी हैव फिल्टर्स ऑन कुछ लोग सो मेनी पीपल आर जेलस ऑफ सेट व्हाट टू डू लोग तो जलेंगे जलने दो सो आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट यू केम इन माय लाइफ आई लव यू इवू ऐसे ही रहना आई होप हमारी बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होती जाए एग्जैक्टली विद हम और अच्छा अच्छा काम करते जाए एंड काम की काम को छोड़ के हम दोनों का रिलेशनशिप फ्लरिश करें अभी मेरे सब्सक्राइबर्स को बोल दो नहीं अभी मेरे नए लोग जो ये एपिसोड देख रहे हैं उनको बोल दो कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज गाइज जाओ और इवू का चैनल सब्सक्राइब करो मैं कई बार आई एम नॉट किडिंग मैं गाड़ी में होती हूँ और सुबह मैं ना यूट्यूब खोल लेती हूँ इवू का मैं देखती हूँ थाईलैंड वाली ट्रिप देखती हूँ एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो बनाई हुई है ना कई बार वापस रीवॉच करती हूँ और फिर से मैं कई आज सुबह इनफैक्ट में कुछ देख रही थी एंड मैं लाइक किया हुआ था मैंने वापस लाइक किया तो डिसलाइक हो गया आई मीन वो लाइक हट गया लाइक कम हो गया फिर मैंने वापस कर दिया तो प्लीज जाओ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं शी इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग आई एब्सोल्युटली लव हर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई एम श्योर यू गाइस विल एंजॉय थैंक यू बेबी Oh my God! ये सब डालना। मैं अभी निकली थी लोग